फ्रेंड्स, नवरात्रि के इस पावन अवसर पर शक्ति रूपनी माँ दुर्गा से हम यही प्रार्थना करते हैं कि वह हमें हर बुराई से लड़ने की शक्ति दे। दोस्तों, नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं ऋतु जैन आप सभी का स्वाद का तड़का में एक बार फिर स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ साबुदाना वड़ा, जो कि एक उपवास की भी डिश है। दोस्तों, आज हम ये डिश ट्रेडिशनल तरीके से ना बनाते हुए उसमें कुछ चेंजेस करेंगे, जैसे कि हम साबुदाने को फुलाने की बजाय रोस्ट करेंगे। यकीन मानिए, सिर्फ ऐसा करने से ही साबुदाना वड़ा काफ़ी क्रंची बनेगा और साथ ही साथ ऑयल भी काफ़ी कम सोक करेगा। तो आइए बनाते हैं साबुदाना वड़ा एक नए अंदाज में। यदि अभी तक आपने स्वाद का तड़का को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर बेल बटन दबा दीजिए। तो आइए देख लेते हैं इसमें लगने वाले इंग्रेडिएंट्स। दोस्तों, इस डिश का मेन इंग्रेडिएंट है एक बड़ा बाउल साबुदाना और लगभग साबुदाने के बराबर बॉइल्ड आलू, जिसे मैंने मैश कर लिया है, और साबुदाने का लगभग आधा मैंने यहाँ पे लिया रोस्टेड पीनट, जिसे मैंने दरदरा पीस लिया है, बारीक कटा हुआ ग्रीन चिली, एक टुकड़ा अदरक का, चिली फ्लेक्स, रोस्टेड जीरा पाउडर, सॉल्ट। दोस्तों, मैं यहाँ रेगुलर सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ, लेकिन जैसे कि आपको पता ही होगा कि उपवास की डिश में सॉल्ट यूज़ नहीं करते, इसलिए इसकी जगह आप सेंधा नमक भी यूज़ कर सकते हैं। कोरिएंडर लीफ और चाट मसाला। दोस्तों, हमें साबुदाने को ग्राइंड करके पाउडर बनाना है। इसके लिए हमें सबसे पहले साबुदाने को सिम फ्लेम पे ड्राई रोस्ट करना होगा। ड्राई रोस्ट करने से इसमें थोड़ा बहुत जो भी मॉइस्चर है वो निकल जाएगा और साबुदाना हल्का क्रंची भी हो जाएगा। इस प्रोसेस से साबुदाना आसानी से ग्राइंड हो जाएगा। लगभग 4 से 5 मिनट सेकने के बाद साबुदाना ड्राई रोस्ट हो गया है। अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। साबुदाना ठंडा हो गया है, मैंने उसे एक जार में निकाल लिया है। अब हम इसे बारीक ग्राइंड कर लेंगे। साबुदाना ग्राइंड हो गया है, आप देख सकते हैं मैंने इसको बिल्कुल बारीक पीसा है। अब हम साबुदाने बड़े का डो रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने एक बड़े बाउल में साबुदाने का पाउडर डाल दिया है। अब हम इसमें बॉइल्ड आलू डालेंगे। पीनट डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, कोरिएंडर लीफ डालेंगे, एक चम्मच जीरा डालेंगे, एक चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे, आधा चम्मच चाट मसाला डालेंगे, अदरक डालेंगे, अदरक को हम ग्रेट करके डालेंगे, और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सारी चीजें अच्छे से ड्राई मिक्स हो चुकी है। आप देख सकते हैं डो हल्का कड़क है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसको गूंद लेंगे। दोस्तों, ध्यान रखिए, हमें डो को बहुत ज़्यादा नरम नहीं रखना है, हल्का ही नरम रखना है। डो रेडी है, आप देख सकते हैं मैंने इसे मीडियम सॉफ्ट रखा है। अब हम करीब इसे आधा घंटा रेस्ट करने देंगे ताकि इसके अंदर का साबुदाना फूल जाए। करीब आधा घंटा हो गया है, डो के अंदर का साबुदाना अच्छे से फूल गया है। अब हम इसे छोटे छोटे साबुदाने वड़े का शेप देंगे और उसे फ्राई करेंगे। मैंने इसे राउंड शेप दिया है और बीच में से होलो रखा है। आप चाहे तो इसे कोई भी मनचाहा आकार दे सकते हैं। साबुदाना वड़े फ्राई करने के लिए रेडी हैं। साबुदाना
साबुदाना वड़ा फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन में ऑयल गरम कर लिया है और फ्लेम को सिम पे रखा है। अब हम इसमें एक एक करके साबुदाना वड़ा छोड़ेंगे। हम इसे 2 से 3 मिनट तलेंगे और बीच बीच में पलटते रहेंगे। करीब 3 मिनट फ्राई करने के बाद साबुदाना वड़ा लाइट ब्राउन हो गया है। अब हम इसे एक सोप पेपर में निकाल लेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। आप देख सकते हो कितने क्रिस्पी बने। तो लीजिए, तैयार है क्रंची और लेस ऑयली साबुदाने वड़े। आप इसे बहुत पसंद करेंगे। दोस्तों, कमेंट्स करके ज़रूर बताइए ये डिश आपको कैसी लगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो जल्द मिलते हैं स्वाद के एक और नए तड़के के साथ। तब तक कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग स्वाद का तड़का। थैंक यू एंड बाय बाय।